टू माई यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड जी के साइंस। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, एम्स ऋषिकेश ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था फरवरी में असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए। चलिए देखते हैं, फिर उन्होंने जो फॉर्म अप्लाई करने की डेट थी वो एक्सटेंड कर दी थी, बढ़ा दी थी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने जो एम्स ऋषिकेश की वेबसाइट ओपन की है, इसमें जॉब और रिक्रूटमेंट वाला पोर्सन है। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे, सबसे पहले आप ये देखेंगे जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था एम्स ऋषिकेश ने, वो 15 फरवरी 2019 को किया था। तो जैसे ही इसको हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा। तो ये ओपन हो गया है, जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था 15 फरवरी 2019 को एम्स ऋषिकेश ने। तो ये जो रिक्रूटमेंट थी ये डायरेक्ट बेसिस पे थी, पोस्ट थी वो थी असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, ए ग्रेड की पोस्ट थी ये एम्स ऋषिकेश में। चले देखते हैं इसमें कितनी वैकेंसी है, क्या एज लिमिट है और क्या पे स्केल है। तो जो नेम ऑफ द पोस्ट है वो असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ग्रुप ए की पोस्ट है। पे स्केल है 15,600 से 39,100 रुपये विथ ग्रेड पे ऑफ 5,400, और इसमें जो सेवेंथ पे कमीशन आपका लगेगा। जो एज लिमिट रहेगी वो रहेगी 21 to 35 ईयर्स, मतलब मिनिमम एज आपकी 21 ईयर्स होनी चाहिए, 21 साल, मैक्सिमम एज है वो 35 ईयर। जो नंबर ऑफ पोस्ट थी वो थी 16, 16 पोस्ट थी, जनरल के लिए 19, ओबीसी के लिए 4, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एक ही पोस्ट है। इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे जो क्वालिफिकेशन क्या मांगी है इन्होंने असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए, तो वो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग, 4 साल का जो कोर्स होता है वो हो, फ्रॉम एन आईएनसी से आपका, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन भी हो, और बीएससी विद पोस्ट सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सच एस बीएससी नर्सिंग पोस्ट, इसमें आपके पास पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, आईएनसी से मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से। जो एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए, 6 ईयर आफ्टर एक्सपीरियंस आफ्टर बीएससी नर्सिंग, यहाँ पे आपके पास कम से कम 6 साल का एक्सपीरियंस हो बीएससी नर्सिंग करने के बाद, या फिर पोस्ट सर्टिफिकेट बीएससी करने के बाद, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद, और किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड 200 बेडेड हॉस्पिटल में या फिर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन में एज ए स्टाफ नर्स आपने काम किया हो मिनिमम 3 साल तक, एटलीस्ट 3 ईयर्स इन अ वार्ड चार्ज और सुपरवाइजर कैपेसिटी, तो आपका ये एक्सपीरियंस है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और जो डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस मांगा है वो है एमएससी नर्सिंग किसी भी आईएनसी से मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से आपके पास एमएससी नर्सिंग हो। तो ये एम्स ऋषिकेश ने जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था, यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए कि मैंने ये नोटिफिकेशन रिलीज़ तो 15 फरवरी 2019 को हुआ था, उस टाइम पे इन्होंने जो फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट मांगी थी वो थी 30 अप्रैल 2019, बट इन्होंने अब जो डेट एक्सटेंड कर दी है उसके बारे में आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और देख लीजिए कि फॉर्म फिलअप पूरे ऑनलाइन ही होना है, चलिए देखते हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है आपको, किस टाइप से। तो आपको एम्स ऋषिकेश की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जाके आपको सारी डेट पता चल जाएंगी। वही लोग इसमें अप्लाई करें, जो भी इसमें क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा हो वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई करें, एप्लीकेशन फॉर्म उन्हीं के एक्सेप्ट किए जाएंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म सबमिशन के लिए फ़ीस लगनी है वो है 1500। जो डोमेस्टिक मींस उत्तराखंड के ही कैंडिडेट हैं उनको 1500 लगेगी, और जो जनरल कैंडिडेट रहेंगे उत्तराखंड के बाहर के कोई भी अदर डिस्ट्रिक्ट के उनको 3000, ओबीसी जो उत्तराखंड के हैं उनको 750, और ओबीसी कैंडिडेट अदर देन उत्तराखंड डोमिसाइल मींस उत्तराखंड से किसी और राज्य के रहने वाले उनको लगेंगे 1500, एससी एसटी वालों को 500, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए एक्सटेंप्ट है उनके लिए। तो यहाँ पे फीस बताई हुई है किसके लिए कितनी फीस लगनी है,
जो एज रिलैक्सेशन है यहाँ पे एक चीज़ और उन्होंने बताई, एज रिलैक्सेशन है एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए मैक्सिमम 5 साल का दिया जाएगा, और जो ओबीसी वाले हैं उनको मैक्सिमम 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और है, जो प्रोविजन पीरियड होता है वो मिनिमम आपका 2 साल का रहेगा है उसमें आप काम करने का, और जो रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू होगा आपका जो भी होगा वो आपको 15 दिन पहले, जो भी आपका एग्ज़ाम होगा उसके पहले आपको बता दिया जाएगा। तो हम इसमें नेक्स्ट देखेंगे कि इन्होंने जो डेट एक्सटेंड की थी उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि उन्होंने डेट एक्सटेंड की थी तो कितनी तारीखें जब तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो इन्होंने ये बताया है कि जो नोटिफिकेशन इन्होंने 15 फरवरी 2019 को रिलीज़ किया था असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस पे, तो उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी है इन्होंने, वो 1 जुलाई 2019 तक रात के 12 बजे तक के लिए है। तो आप लोग आराम से इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन फरवरी में रिलीज़ हुआ था, इवन आप इसको जुलाई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। भाई सभी लोग फॉर्म फिल कीजिए, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं उनको जो फॉर्म फिलअप करने की फ़ीस है वो थोड़ी कम है, बट जो अदर स्टेट के हैं बट वो भी फॉर्म फिलअप करें, वही लोग फॉर्म फिल करें जिसमें उनकी एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन सभी चीज़ें मैच कर रही हो, एज भी। सो थैंक यू गाइस, अपने दोस्तों के साथ इस नोटिफिकेशन को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग फॉर्म को फिल कर सकें।